हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह सोनी का 32 इंच एलईडी टीवी के ऊपर है, जिसमें पावर देने के बाद इसके जो स्क्रीन पे हाई वोल्टेज का लोगो बन के आता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाई पावर डिवाइस प्लेस डिस्कनेक्ट यूएसबी। तो इसमें जो फॉल्ट है वह पिक्चर का भी फॉल्ट आता है, यानी कि जब इसमें वीडियो देंगे तो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वह भी लो हो जाता है। और इस टीवी का मॉडल नंबर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस फॉल्ट को हम किस तरह सॉल्व करेंगे यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो इस टीवी में जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मदरबोर्ड, और इसमें अभी कहीं पे भी मतलब टचिंग नहीं है, अनटच ये बोर्ड है, और कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएसबी साइड और इसका बैकलाइट का साइड इस तरफ है, और यह अडाप्टर से चलने वाली बोर्ड है। तो इस टीवी को हम इसका जो वोल्टेज है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अडाप्टर लगा दिया है और इसका बैकलाइट का जो सेटअप है यहाँ से है, जो कि यहाँ से वोल्टेज जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं 18.9 वोल्ट, और यहाँ पे जो है 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, और इस रेगुलेटर से यहाँ से 12 वोल्ट, और यहाँ पे एक रेगुलेटर कॉइल है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 1.2 वोल्ट है, और एक यहाँ पर ड्राइवर आईसी है जो कि 8 लेग का, तो यहाँ पे भी आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, और यही वोल्टेज आपको इसके प्लस आईसी पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, और यहाँ पे एक रेगुलेटर है जो कि यहाँ से 1.8 वोल्ट आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज हैं सारे वोल्टेज ओके हैं, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है और ना ही कोई वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहा है। तो हमारा जो फॉल्ट है वह यूएसबी जो यहाँ पे है उसके रिलेटेड फॉल्ट है। तो यहाँ पे जो एक 5 लेग की आईसी लगी हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं इसके इनपुट में 5 वोल्ट और आउटपुट में जो वोल्टेज मिलना चाहिए 5 वोल्ट वह फ्लक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो इसमें हम एक ट्रिक आजमाएँगे, तो वह ट्रिक क्या रहेगा हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस आईसी को ब्लोअर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस आईसी को बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 5 लेग का आईसी है। तो इस आईसी को हम साइड में रख लेते हैं, और यहाँ पे हमने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो इसका फर्स्ट नंबर पिन है इसका आउटपुट पिन है, और जो 5 नंबर पिन है वह इसका इनपुट पिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 5 नंबर पिन है और यह 1 नंबर पिन है। तो यहाँ पे आउटपुट और इसके 5 नंबर पिन पे इनपुट वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे हम एक जम्पर का यूज करेंगे, तो वह जम्पर क्या रहेगा हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह का आपको जम्पर वायर ले लेना है, और उसको आपको इसके 1 नंबर पिन पे कनेक्ट करना है, और एक साइड इसका जो 5 वोल्ट आ रहा है यानी कि 5 नंबर पिन पे, वहाँ पे इसको जम्पर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस तरह से किया हुआ है, इसका 1 नंबर पिन से 5 नंबर पिन पे एक जम्पर वायर की मदद से जम्पर कर दिया है। तो इस तरह से आप जम्पर करके अपना टीवी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार पावर देते हैं और आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने जम्पर करने के बाद यहाँ पे हमने पावर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट है, और इसके आउटपुट पे भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो इसी तरह से हम इस फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार पावर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया है, और जो फॉल्ट इसमें हाई वोल्टेज का दे रहा था उसको हम देखते हैं कि वह अभी दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर नो सिग्नल दे रहा है, और बाकी का जो वीडियो है हम आपको आगे चल के दिखा दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे हम जम्पर किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने काफ़ी टाइम इसको चला के भी देखा, और जो फॉल्ट था वह सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम आपको वीडियो भी चला के दिखाते हैं।
आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं जो पिक्चर क्वालिटी है बिल्कुल ओके हो चुका है, और जो फॉल्ट हाई वोल्टेज और प्लीज डिस्कनेक्ट यूएसबी दे रहा था वह भी सॉल्व हो गया है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।